शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दरबार में लाखों भक्तों ने हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के आज आठवें दिन मां भगवती के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की कृपा से धन संपदा सौंदर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। काशी में देवी अन्नपूर्णा ही महागौरी का स्वरूप है जिनका भक्त दर्शन पूजन करते हैं। वहीं अष्टमी पर दर्शन पूजन हेतु भोर से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने माता को नारियल चुनरी भोग प्रसाद और श्रृंगार का सामान अर्पित कर शीश नवाया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी का संबंध देवी गंगा से भी है। धर्म ग्रंथों में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की साधना करने वालों को समस्त लौकिक एवं अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पति रूप में शिव को पाने के लिए कठोर तप से देवी कृष्ण वर्ण हो गई थी, तब शिव ने मां गंगा के जल से अभिषेक किया और वो महागौरी कहलाई। काशी में देवी अन्नपूर्णा ही महागौरी का स्वरूप है। आज के दिन मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं मंगला आरती के बाद से ही मां के अन्नपूर्णा दरबार में भक्त पहुंचने लगे और भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर दर्शन करने में जुटे रहे। महंत जी ने बताया कि आज मां के दर्शन का विशेष महत्व होता है। दर्शन करने के लिए जो गौरी के रूप में पूजा होती है वो मां अन्नपूर्णा के रूप में पूजा होती है। यहां पर जो भी भक्त आता है वो तीन फेरे लगाए या तीन से अधिक 108 फेरे लगाए, मां अन्नपूर्णा उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो मां अन्नपूर्णा उनकी मन्नत पूरी जरूर करती हैं। दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। परिक्षेत्र में भारी फोर्स तैनात रही जो निर्बाध रूप से दर्शन पूजन का कार्य कराने में जुटे रहे। ये काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ गौरी विराजमान है और नवरात्रा में जो गौरी की पूजा होती है वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में होती है और अष्टमी वाले दिन होती है और आज अष्टमी है। जो भक्त आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, यहाँ का एक अलग महत्व है। आप यहाँ आके तीन परिक्रमा लगाएं या पांच लगाएं, सात लगाएं, ग्यारह लगाएं, सोलह लगाएं, 21 लगाएं, 108 लगाएं या यथाशक्ति उतनी लगाएं और मन में किसी प्रकार की कामना करके आएंगे तो निश्चित है कि माता अन्नपूर्णा उनकी कृपा करती है उनके ऊपर। जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और आज ये शक्ति का उपासक हैं। जब शक्ति के किसी कार्य को करते हैं तो अष्टमी का एक विशेष महत्व है और गौरी का एक स्वरूप है। बाबा विश्वनाथ भी यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं तो अन्नपूर्णा का एक अलग, नौ गौरियों में गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा का एक अलग स्थान है। तो यहाँ आके आप परिक्रमा लगाएं, माता जी का प्रसाद प्राप्त करें तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी और अब जो कामना करके आएंगे तो निश्चित है कि पूर्ण होगी, ऐसी यहाँ की मान्यता है। देखिए अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण बल्लभ ज्ञान वैराग्य सौभाग्य सिद्धार्थ इच्छा दई पार्थी। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि को महागौरी के क्रम में ये नव दुर्गा के क्रम में मां अन्नपूर्णा का दर्शन हो रहा है और मां अन्नपूर्णा के दर्शन की मान्यता है कि महाअष्टमी जो व्रत रहता है, जो अनुष्ठान करता है, जो पूजन करता है, जो मां अन्नपूर्णा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है, मां उनके सभी मुरादें पूरी करती हैं। और यही कारण है कि यहां पे देखिए पूरे भक्त मिल करके 108 फेरी जिसकी योग्यता क्षमता जैसी है, कोई 21 लगा रहा है, कोई 51 लगा रहा है और हर कोई दामन फैलाए बैठा हुआ है, झोली फैला बैठा है कि माँ के दरबार में अगर एक दाना भी मिल गया तो पूरा भंडार भर जाता है। इसी कामना के साथ माँ अन्नपूर्णा के दरबार में लोग आकर के अपनी झोली फैला रहे हैं, माँ को मना रहे हैं और जयकार लगा रहे हैं। अन्नपूर्णा मैया मंदिर में, अन्नपूर्णा मैया मंदिर में तकदीर समर जाला, जे भी आवे इधर पे झोली भर जाला, जे आवे अन्नपूर्णा माई झोली भर जाला। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। सच्चे मन से आए हैं दर्शन करने के लिए, माँ की आस्था है इसीलिए सब आते हैं दर्शन करने। आज अन्नपूर्णा जी का है तो फेरी लेते हैं तो इसी से आए दर्शन करने। कितने दिन से आपको आज ही आए हैं,
आज इनका अन्नपूर्णा जी का दर्शन है, इसीलिए लोग यहाँ आके सब ये भक्त सब यहाँ आके फेरी लगाते हैं अन्नपूर्णा जी की। हाँ, अन्नपूर्णा जी की फेरी लगाते हैं, बस परिवार में सब सुखी संपन्न रहे, सबको इस संसार में सभी अच्छा रहे, सबकी शुभकामना सब हमेशा बनी रहे।